हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है गाइस। तो आज है नवरात्र का पहला दिन, तो सबको शुभ नवरात्रि। तो अभी हम नहा धो करके रेडी हुए हैं, चले पूजा करने। पूजा कर लेते हैं फिर फरहारी में मेरे आज क्या क्या बनेगा आप लोग को दिखा रहे हैं। तो नवरात्र के 9 दिन हम व्रत नहीं रहते हैं क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं रहता है, शुगर बीपी है। तो चढ़ती और करती रहेंगे, आज तो पहला दिन व्रत है। तो अभी नहा धो करके चले पूजा करें, पूजा पहले कर लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोग से। तो अभी चले पूजा की तैयारी करने करके तब दिखाते हैं आप लोग को। तो देखिए, मैं अपने माता जी की सारी तैयारी कर दी हूँ, तो देख सकते हैं आप लोग। टीका, माला, दिया, बत्ती, प्रसाद। तो अब हम चलें पूजा करेंगे माता जी का, धूप जला के। तो नारियल अभी हम मंगाए हैं, लेकिन आज मेरे यहाँ पानी नहीं आ रहा है साफ, तो हम नारियल को बाद में रखेंगे माता जी के पास। अभी लोटा वोटा माँजेंगे तब। कल शुक्रवार है, तो शुक्रवार के दिन माता जी को हम नारियल चढ़ाएंगे। तो अभी देख सकते हैं गाइस, ये नारियल मेरा रखा हुआ है। तो चले माता जी को पूजा करेंगे। ठीक है गाइस, अभी मिलते हैं पूजा के बाद। बाबू बाबू, मेरा पूजा करेगा क्या? हाला जमीन में से उठाओ भाई। तो ठीक है, देखिए हम पूजा कर लिए हैं। आप लोग भी नवरात्र व्रत होंगे गाइस, तो आप लोग भी पूजा और नहा धो करके सब पूजा पाठ करके माता जी के मंदिर में शाम को हम जाएंगे गाइस। मेरे बगल में ही मंदिर है बजरंगबली और दुर्गा माँ का, तब हम शाम को भी वहाँ का दर्शन कराएंगे, फिर आप लोग को दिखाएंगे गाइस। चलिए ठीक है गाइस, चलिए दिखाते हैं आज मेरे फरहारी में क्या क्या बन रहा है। आइए आप लोग भी नाश्ता कीजिए। तो देखिए, मेरे फरहारी में आलू उबाल करके कचालू बना है, इसमें जीरा मरीच और देसी घी में धनिया हरा हरा मिर्चा सब डाल करके कचालू, और ये बन रहा है चाय। सब बहू बना दिए नहा करके, तो सब यहाँ पूरा सफाई से हर चीज़ बर्तन वर्तन सब साफ से अपना सब माँज के निकाली है व्रत के लिए। व्रत में सारा सामान मतलब साफ साफ खरीद के आता है, जो ये सब चीनी चपत्ती है ये सब कुछ भी व्रत में नहीं यूज होता है गाइस। तो देख सकते हैं यहाँ सब कुछ साफ खरीद के आया है, ये चीनी और ये देसी घी, बादाम, नमक, चाय पत्ती, सब व्रत के लिए ये अलग से बाज़ार से सामान आया है। घर में जो भी सामान रहेगा कुछ भी नहीं डलाएगा। तो देख सकते हैं ये मरीच, जीरा, तो मखाना कलावा, ये बर्तन इतना माँज करके सब मतलब अलग रख दी है कि ये खाली जो व्रत रहेगा बस उसी को उसमें फरहारी। ये मखाना कलावा और बादाम घी में सेंधा नमक डाल के फ्राई करके रख दी है चाय से खाने के लिए। तो जब कुछ भी व्रत रहता है तो घर में चीनी चपाती कुछ भी जो भी रहेगा कुछ भी व्रत में नहीं डलाता, सब बाज़ार से साफ साफ सब खरीद के आता है व्रत के लिए। तो चलिए गाइस, देख लिए कि मेरे व्रत के फरहारी में इस टाइम क्या बना है। तो आइए, आप लोग भी व्रत हैं तो आइए मेरे बहू के हाथ का नाश्ता कीजिए और बताइए कैसा बना है। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं आप लोग सभी बाद में।
चाय पत्ती है, चीनी है सब, लेकिन फिर भी सब व्रत के लिए अलग ये रखाएगा। फिर आखिरी दिन व्रत रहेगा, उसमें सब डलाएगा। फिर उसके बाद तो ठीक है गाइस, अभी हम चल रहे हैं, थोड़ा देर आराम करेंगे, थक गए हैं। फिर उसके बाद नाश्ता करेंगे, फिर मिलते हैं आप लोग से अभी नाश्ता के समय। देखिए गाइस कितना सुंदर मंदिर सजा हुआ है मेरे यहाँ का। तो अभी ये मेरा मंदिर यहाँ का बन रहा है, तो यहाँ पे अभी ईटा उटा भी रखा हुआ है। तो ये बहुत पुराना मंदिर है, लेकिन इसको अभी फिर से गिरा करके बनवाया जा रहा है, इसलिए इसमें काम भी चल रहा है। अभी देख सकते हैं आप लोग, ये बाहर से दुकान लगी हुई है चंद्री माला का। ठीक है गाइस, हम दर्शन कर लिए दुर्गा माता का और बजरंगबली का और भोलेनाथ का। तो फिर चलते हैं घर, मिलते हैं आप लोग से भी थोड़ी देर में गाइस। तो ठीक है गाइस, मेरे नवरात्र का वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना गाइस। तो कल हम मंदिर भी गए थे दर्शन करने, तो बैक कैमरा से आप लोग को मंदिर का दर्शन करा दिए, लेकिन सामने कैमरा से जो वीडियो बनाए थे तो चालू करना भूल गए, याद नहीं पड़ा, तो मेरा सामने से वीडियो नहीं आया। नहीं तो हम दर्शन कर रहे थे तो वीडियो बनाए थे, घर पे आए देखे तो सेव नहीं किए थे, दिमाग काम थोड़ा कम करता है गाइस। तो ठीक है, आप लोग को शुभ नवरात्रि, मिलेंगे हम आप लोग से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप लोग नए हैं तो।